अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है अंडे का सालन या एग करी। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 उबले हुए अंडे और 5 छोटे साइज के आलू, साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही है काजू और खसखस का पेस्ट 3 चम्मच, 2 छोटे साइज के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, साथ ही 1 बड़ा प्याज है कटा हुआ, दही, हरा धनिया और तेल, ये तेल है 1/2 कप। तेल में सबसे पहले मैं उबले हुए अंडों को फ्राई कर लूँगी। अब फ्राई कर लेना है आलू। आलू छोटे साइज़ के हैं इसलिए मैंने इसे काटे नहीं हैं। प्याज को भी फ्राई कर लें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसे पीस लेना है दही के साथ। उसी तेल में हम डाल देंगे मसाले, सारे मसाले, और इसे धीमी आंच पर तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल गल ना जाए और तेल अलग ना हो जाए। अब हम ये ब्राउन ऑनियन और दही 2 बड़े चम्मच है, इसको हम पीस लेंगे। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें ये पिसा हुआ प्याज और दही का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। शामिल कर देंगे नमक, हसबी जायका, मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अंडे और आलू, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। शोरबा आप जितना चाहते हैं उतना पानी इसमें डाल दीजिए। 3-4 उबाल आ जाए तो आपकी ग्रेवी तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।